छापे डलवाए हैं, बड़े बड़े नेताओं को हमने कोर्ट के चक्कर लगवाए, हमने कहा रे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। जब हमने फाइल उठा करके देखी, हमने ढूंढा तो देखा वो कौन नेता है, कांग्रेस के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है और अन्य पार्टियों के नेता हैं। हमने उनसे पूछा क्या सारे भ्रष्टाचारी केवल कांग्रेस में भरे हैं या समाजवादी पार्टी में पड़े या दुनिया भर में जो भी छोटी मोटी क्षेत्रीय राजनीतिक देश की पार्टियां उनमें पड़े हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी शुद्ध ईमानदार हो गई, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है? तो उनकी भी आंखें सम से झुक गई, क्योंकि वह पूछने वाला भी जानता है कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आज भी है और बड़े अच्छे से फल फूल रहे हैं। 5 सालों में बहुत आगे बढ़ गए, आने वाले 5 सालों में और उन्हें देखना होगा कितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर आवाज कौन उठाए, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, अपने आप को स्थापित करना। अगर 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी की जय जय घोष करने के लिए कार्य किया है। आम जनता के लिए, गरीब वर्ग के लिए कोई भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया गया। अगर मैं कह दूं कि इन 6 सालों में उन्होंने जो कार्य किया है उसमें एक ही कार्य की मैं सराहना करती हूँ जो उन्होंने किया है, और वह कार्य है कश्मीर से 370 और 35 ए को हटा करके जो उन्होंने किया है, उसके लिए हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उनका समर्थन करती है, उनके इस फैसले का हम साथ देते हैं। मगर अन्य हर फैसले का जो उन्होंने देश हित में नहीं लिए हैं उनका हम विरोध करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैसला है जो उन्होंने देश के हित को बर्बाद करने के लिए लिया है, वह GST का फैसला है। व्यापारियों का व्यापार ठप होता चला जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है और GST कितना 28% GST लगा रखा है। आम आदमी करे तो क्या करे, किसी अच्छे कार्य के लिए भी अगर उसे कार्य करना होता है तो उसके पहले भी उसे बड़ा अमाउंट GST टैक्स के थ्रू देना पड़ता है। समाज सेवा के लिए यदि आपको एम्बुलेंस भी खरीदनी हो, जैसा कि कुछ समय पहले हम चर्चा कर रहे थे, एम्बुलेंस भी अगर आपको खरीदनी हो समाज सेवा के लिए, क्षेत्रों में जा जा करके बीमारों को ले जा करके अस्पतालों तक पहुंचाएगी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, मगर उस एम्बुलेंस को लेने के लिए भी आपको जान करके आश्चर्य होगा 18% का GST टैक्स लगाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था क्यों डगमगा रही है अगर आप वास्तव में ईमानदारी से कार्य करते चले जा रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था तो गिर रही है, मगर आज आप उठा करके देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला चंदा दिन दूना रात चौगुना से बढ़ता चला जा रहा है, मगर कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है जो हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी जो गलत कर रही है उसका विरोध करती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है, 5 सालों में आपने क्या कार्य किया है कि आज आए दिन अखबार उलट करके देखो, टीवी चैनल खोल करके देखो, न्यूज चैनल उठा करके देखो तो आए दिन बलात्कार की बहनों के साथ शोषण की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। अगर वास्तव में आपने ईमानदारी से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया है तो क्यों आज हमारी महिलाएं सर उठा करके समाज के बीच में जीवन नहीं जी सकती है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ नहीं पा रही और यह केवल और केवल इन भ्रष्ट राजनेताओं की भ्रष्ट नीतियों के कारण है। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है और बात करते हैं कि हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं, हम देशभक्त हैं। अरे कैसे देशभक्त हो आप जो देश के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल पर ढकेल रहे हो, पढ़े लिखे युवा अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए हुए आज रोड में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। यह किसका कार्य है कि उन्हें रोजगार दिलाएं? मेहनत करना चाहता है युवा, कार्य करना चाहता है, मगर करे तो क्या? और फिर यही युवा भटक जाते हैं, अपराध की ओर जाते हैं, किसी ना किसी गलत मार्ग को पकड़ते हैं और अपराधी बन जाते हैं। अगर वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है तो क्यों आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? शिक्षा के क्षेत्र में बताते हैं कि हमने बहुत काम किया है, मगर आज भी आप जाओ गांव के सरकारी स्कूलों में जाकर के देखो, कहीं टीचर नहीं होगा, कहीं स्कूल में छत नहीं होगी, बारिश में बच्चे भीगते हुए या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या माँ बाप उन्हें बच्चों को स्कूल में जाने से रोक देते, उन्हें स्कूल में जाने नहीं देते। इतनी दयनीय स्थिति आज गाँव की है,
बोले हमने तो गांव गांव बिजली पहुंचा दी, मगर स्थिति वस्तु स्थिति आम जनता से छुपी हुई नहीं है। आप में से सब लोग जानते हैं कि आपके गांव में आपके घर में कितनी देर से कितनी देर तक बिजली रहती है। केवल और केवल समाज को जनता को बेवकूफ बनाने का मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है, अपनी वाहवाही के लिए कार्य किया जा रहा है। मगर एक भी कार्य अगर कह दिया जाए तो समाज सेवा के लिए, गरीब जनता के लिए, आम लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। देश का नाम हो रहा है, विदेशों में नमो नमो हो रही है, नरेंद्र मोदी की जय हो रही है, मगर वास्तव में आप देखेंगे हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। आए दिन हमारे सैनिक बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं। किस लिए मारे जा रहे हैं अगर आपकी विदेश नीति अच्छी चल रही है? आप उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करवा पा रहे हैं? आपसे देश की व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है और आप देश को बेवकूफ बनाने को, देश को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मीठी मीठी बातों में। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मान भी लूं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे नेता हैं, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वह ईमानदार होंगे, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री हैं जो बड़े से बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाने वाला है। राजनीति में डुबो करके आपके सामने वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए यह करेंगे, हम आपके लिए वह करेंगे, दुनिया भर के वादे करके चुनाव जीतने के बाद यह दिखाई भी नहीं देते। मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूं, इन नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर आप जनता से मुझे उम्मीद है कि कभी भी अपने वोट को पैसों के लिए, शराब के लिए, साड़ी के लिए, कंबल के लिए कभी भी अपने वोट को बेचना मत। क्योंकि यदि आज आपने अपने वोट को बेच दिया, यदि आज पैसे लेकर के आपने उन्हें अपना वोट दे दिया, तो यह मत सोचना कि मैं केवल 5 साल के लिए अपना वोट दे रहा हूं। जब भी अपना वोट पैसे लेकर के देना, जब भी अपना वोट कुछ ना कुछ लेकर के देना, तो एक बार जरूर सोचना कि मैं आज अपना वोट नहीं बेच रहा हूं, मैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेच रहा हूं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहा हूं। अरे हम भारतवासी हैं, अपने आप को बेचने वाले नहीं है। चंद रुपयों में वह आपको खरीद के 5 साल आपका शोषण करते हैं, कहते हैं हम तो बहुत ईमानदार हैं। प्रदेश में अन्य जगहों में चुनाव हुआ और करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक क्षेत्र में, एक एक लोकसभा क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, क्या यह देश का शोषण नहीं है? ईमानदारी की बात करते हैं तो फिर कहां से एक एक चुनाव में आपने इतने करोड़ रुपए देश की जनता के खर्च कर दिए? संविधान को नमन करते हैं, संविधान को देख करके संविधान की बात करते हैं, मगर इससे बड़ी संविधान की हत्या और क्या होगी कि पिछले जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, वहां पर अन्य पार्टियों के जो भाजपा के नहीं थे, कांग्रेस के नहीं थे, बड़ी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो यदि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो ऐसी पार्टियां थी जो उनके विरुद्ध आवाज उठा रही थी, उन पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन पर नहीं भरने दिया। हमारी भारतीय शक्ति जनता पार्टी के खुद 25 प्रत्याशियों का नामांकन करने में छोटी मोटी बातों से करके रद्द कर दिया, उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने बोला कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऊपर से आदेश आ रहा है, हम आपको उनके विरुद्ध लड़ाई नहीं दे सकते क्योंकि वोट बच जाएंगे, वोट बट जाएंगे, और अगर आपने वोट काट दिए तो वो दूसरी पार्टी जीत जाएगी। साफ साफ खुले मुंह यह बात कर रहे हैं, इससे बड़े संविधान की हत्या और क्या होगी? दोगली बातें करते हैं, दोहरा चरित्र अपनाते हैं। यदि वास्तव में समाज की इतनी ही चिंता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, राजा को हमारे यहाँ क्या कहा जाता था? पिता के समान दर्जा दिया जाता था कि राजा भगवान होता है, राजा पिता होता है। मैं यहां पर बैठे हुए माता पिता से पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा रोज शराब पिए, मेरी बेटी रोज शराब पिए, वह पढ़ने ना जाए, वह लिखने ना जाए, वह शराब पी करके घर में पड़े रहे? ऐसे कितने माँ बाप चाहते हैं? एक भी माँ बाप नहीं चाहते होंगे। और देखिए इनका दोहरा चरित्र, कि राजनेता आपसे रिश्ते स्थापित करेंगे, कोई आपका मामा बन जाएगा, कोई आपका भाई बन जाएगा, कोई आपका जीजा बन जाएगा, और फिर इसके बाद रिश्ते बना करके आपका शोषण करते हैं, आपको नशा पिलाते हैं, आपको जहर पिलाते हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक रखते हैं
अगर आप जानते हैं कि हाँ कोई भी सच्चा नेता, ईमानदार नेता अपनी प्रजा को नशा नहीं पिला सकता, तो आज आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का साथ देना, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना। और अगर आप नहीं मानते हैं कि ठीक कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग जो अपने क्षेत्र में नशा पिला रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि जाते वक्त एक बोतल की शराब अपने घर के लिए भी लेते जाना और अपने सामने रोज अपने बच्चों को भी पिलाया करना। जागृत होइए भाइयों बहनों, जागने की आवश्यकता है। कब तक सोते रहेंगे? कब तक अपने देश को लुटता हुआ देख करके भी हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन इसीलिए किया गया है। हमें किसी हार जीत की आशा नहीं है। हार जीत के बारे में तो हम विचार ही नहीं करते। हमने तो जब अपनी रैली की भी, आम सभा की भी शुरुआत की है, तो ढोल नगाड़ों के साथ की है, बैंड बाजा बजा करके की है, क्योंकि हम हर पल अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। हमारे आराध्य, हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संस्थापक संचालक कहते हैं कि हार जीत आपकी सफलता तय नहीं करेगी, आपकी सफलता आपकी मेहनत तय करेगी, आपकी सफलता आपकी आत्मशक्ति तय करेगी, आप कितने कदम आगे बढ़े या आपकी सफलता है हार या जीत, आपकी सफलता या निराशा नहीं। हम तो हर पल खुद को जीता हुआ मानते हैं, क्योंकि हम हर कदम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, उन्हें हमारी बात सच लग रही है और आज हमारे साथ वह खड़े होकर के हमारे साथ आवाज मिला रहे हैं। और एक दिन वह अवश्य आएगा जब पूरे देश की यही बात होगी कि हाँ, हमारे देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, भयभूत, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। आप पूरे देश में घूम करके देख लीजिए, आंकलन करके देख लीजिए, आपको ऐसी कोई भी पार्टी नहीं मिलेगी जैसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है। और हम गर्व से यह इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ढूंढ करके देख लो, आपको कोई भी ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी जिसके कार्यकर्ता, जिसके पदाधिकारी, जिसके प्रत्याशी, जिसके अध्यक्ष, जिसके संस्थापक संचालक पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीते हुए समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। ऐसी कोई पार्टी दूसरी इस देश में नहीं है। हमारा प्रत्याशी भी जो हमारा खड़ा होता है वह समाज सेवक होता है, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान होता है। उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं होते। आप खुद सोचो कि आपको ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है या ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हो। आप खुद बताओ कि यदि कोई अपराधी है, कोई बलात्कारी है, कोई हत्या किए हुए बैठा है, चुनाव लड़ करके जीत करके पार्टी के मत से, पार्टी के बैनर तले जीत करके आपका सांसद बन जाएगा, आपका विधायक बन जाएगा, किस हक से, किस मुख से या किस अपने जमीर से वह आपके देश को अपराध मुक्त कर पाएगा? अपराध किया हुआ व्यक्ति कभी भी क्षेत्र को अपराध मुक्त नहीं कर पाएगा। यह बात आप लिख करके रख लीजिए। अपराध मुक्त वही करेगा जो पहले से अपराध मुक्त होगा, जो समाज सेवक होगा, जिसने जनता के दुख दर्द को जिया होगा, सहा होगा, समझा होगा, वही समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा आप सभी के साथ आह्वान है कि बढ़ करके आए, भारतीय शक्ति चेतना की पार्टी की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करें। यह किसी लोभ या लालच से नहीं की गई है। हमारा संगठन पिछले 20 वर्षों से समाज के बीच में सेवा कार्य कर रहा है, लोगों को नशा मुक्त बना रहा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के अथक प्रयास से आज देश में करोड़ों करोड़ों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है एक एक आदमी को नशा मुक्त करना, मगर हमारे कार्यकर्ता यह कर रहे हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता यह कर रहे हैं, किसी लाभ लालच के, किसी लोभ के चलते नहीं। केवल और केवल यही एक भाव है कि अपने मानव जीवन के जो कर्तव्य हैं, मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा, हम बस अपने उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती। जब भी मैं आपसे राष्ट्र रक्षा की बात करती हूँ, मेरे हृदय में सिर्फ एक ही बात आती है और मैं हर बार आपसे कहती हूँ
कि जो हमारे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने मरते वक्त हमसे क्या कहा था। अगर इस लाइन को आप अपने हृदय में बसा लोगे तो आपको वास्तव में नींद नहीं आएगी कि मेरे देश के साथ यह क्या हो रहा है। उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलते वक्त, उन्होंने अपनी जान गंवाते वक्त, युद्ध में उन्होंने अपने सर कटाते वक्त केवल और केवल एक ही बात कही थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमारे हवाले व वतन करके चले गए। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने हमारे हवाले वतन किया था उस वतन की हम रक्षा करें, उसे विकास पथ पर लेकर के जाए, एक एक व्यक्ति को यहाँ पर भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त कर हम समाज में उनके अधिकार दिला सके। आप सभी का आह्वान है इस अभियान के साथ जुड़े। केवल और केवल सत्य धर्म को लेकर के चल रहा यह अभियान आपसे केवल यही चाहता है कि आप अपना परिश्रम लगाएं, मेहनत करें। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जो विचारधारा है उस विचारधारा को जन जन तक लेकर पहुंचे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ कार्य करेंगे। आपकी क्षेत्र के प्रत्याशी अनीता जी ने वास्तविक बहुत सराहनीय कार्य किया है। उनके प्रयास को देख करके मुझे एक ही लाइन याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछाल करके तो देखो। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, वह उनके लिए फिट भी होती है कि वह अपना प्रयास कभी भी नहीं छोड़ती है। और मैं भी आप सभी से चाहूंगी कि आप सभी भी अपना प्रयास कभी ना छोड़े। बहुत वर्षों से यह संगठन, यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मंच में विराजमान है, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना दिन रात लगाया है परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से प्रेरणा लेकर के, संघर्ष करके, अपने छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से आज हरियाणा में लाखों लाखों परिवारों को नशा मुक्त किया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि अंत समय जब आएगा तो केवल एक ही बात का आंकलन होगा कि आपने अपने जीवन का उपयोग कैसे किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे संगठन के कार्यकर्ता, मेरे संस्थापक संचालक के जो शिष्य हैं, वह केवल एक ही बात कहेंगे कि हाँ, हमने अपने कर्तव्यों को निभाया है, हमने अपने कर्तव्यों को जीवन जीते हुए अपना समय बिताया है, और आज हम जब मर भी रहे हैं तो हम आगे की ओर गिर रहे हैं, हम पीछे की ओर नहीं गिर रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके क्षेत्र में संपन्न हुआ, आप सभी ने अपना समय दिया। आगे भी अपेक्षा है कि आप सभी से यूं ही संवाद होते रहेंगे, आप सभी का प्रेम स्नेह प्राप्त होता रहेगा। मुझे याद है बहुत छोटी थी मैं जब मेरा यहाँ इस क्षेत्र में कई बार गुरुदेव जी के साथ आना हुआ करता था, और मैं देख रही हूँ कि आज भी वह कार्यकर्ता जो तब थे वह आज भी उसी लगन के साथ लगे हुए हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ऐसा तभी देखने को मिलता है जब यात्रा सत्य की चल रही हो, अन्यथा जो पुराने लोग होते हैं वह छूट जाते हैं। मगर इस यात्रा में नए तो जुड़ते हैं और पुराने लगातार उसी गति से चलते चले जाते हैं। यही इस पार्टी की, यही इस संगठन की महानता है, विशेषता है। आप सभी से आह्वान है कि जो प्रेम आपका मुझे सदैव मिला है वह प्रेम हमेशा आपका प्राप्त होता रहे। आपके साथ यह जो बंधन बंधा है, जो गुरुदेव जी ने बांधा, यह सदैव अमर रहे। इन सभी शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सदैव मुस्कुराते रहें, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह आदिशक्ति जगत जननी दंबा अपनी कृपा आशीर्वाद से कम करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार अंत में जिस संदेश का आप इंतजार करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो जरूर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमारे लिए कुछ कहा होगा। इस आम सभी अब सभा में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, मां के भक्तों को गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। नवरात्रि में जो शिविर होना है उस शिविर में आप सभी उपस्थित हो, गुरुदेव जी की विचारधारा को सुने, समझे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, दिव्य आरतियां प्राप्त करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अंत में चाहूंगी एक बार और जय घोष हो, बोलिए भारत माता।